वेलकम टू जस्टिवल क्लासेस। आइए बच्चों फिर स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। कल मैंने निश्चित समाकलन पर दो लेक्चर हो गए हैं मेरे, आज तीसरा लेक्चर है तो पहले लिख दिया जाए। निश्चित समाकलन डे थ्री, आज डे थ्री है यानी तीसरा लेक्चर है। अगर और भी अच्छे समझना है तो दूसरा पहला दूसरा लेक्चर देख लेना। पहला दूसरा लेक्चर मैंने और डीप पढ़ाया हुआ है और बताया हुआ कैसे लिमिट पुट करते हैं, कहां लिमिट रखते हैं, कैसे लिमिट पुट होता है। आज ये थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी होती है, ऑलमोस्ट बेसिक वाला जितना भी है खत्म कर दिए हैं। यानी मैंने बोला था अनिश्चित का कुछ रिविजन पार्ट है निश्चित में, तो रिविजन पार्ट भी कराया है और बस एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा ये आ जाता है कि लिमिट पुट करना, तो कैसे लिमिट पुट कर दिया किया जाता है वो भी बताया मैंने। ठीक है, पहली बात अनिश्चित का रिवीजन सारा जितने भी अभी क्वेश्चन करा रहे थे कल वाले लेक्चर में हुए, परसों वाले लेक्चर में हुए, वो सारे लेक्चर में अनिश्चित समाकलन में पढ़ाए गए क्वेश्चन थे, कहीं ना कहीं पढ़ाए गए क्वेश्चन थे। आज उसी का रिवीजन कराना था, रिवीजन उसी का रिवीजन था और लास्ट में एक्स्ट्रा टर्म क्या आ जाते थे वही लिमिट पुट करना, बस यही हो रहा था। और लिमिट कैसे चेंज किया जाता है, प्रतिस्थापन में माना जाता है तो कैसे लिमिट चेंज होता है वो मैंने बताया था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताया था कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आज एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम चलेंगे आज प्रॉपर्टी की। क्या निश्चित समाकलन में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें चलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक यही है, लास्ट टॉपिक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन वही पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करते फिर, अभी नहीं अभी तो एक पिछले वाला कंसेप्ट ले ले। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये बोलता है मेरे भाई, 0 से 1 एक्स साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस x² 1 माइनस x² जल्दी से एक बार कर दो। 0 से 1 एक्स साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस x² जल्दी से कर दो एक बार। जल्दी से कर दो, देखो हम बताते हैं। मैंने बताया था पहले, देखो अनिश्चित वाले में कैसे बताया था, अगर इसको उसको टी माना जाता है जिसका समाकलन होता है, तो क्या इसका समाकलन है कि नहीं है, इसका समाकलन है यहां पे ना, तो उसको टी मानो, माना टी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो इसका अवकलन करोगे dt अपॉन dx करो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस x², तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx 1 माइनस x², ये तुम्हारा dx, सॉरी सॉरी यहां ऐसे dx की वैल्यू निकाली जाती है ना, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस x² dt इक्वल टू डीएक्स, डीएक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अंडर रूट 1 माइनस x² डीटी इक्वल टू डीएक्स आ जाएगा, ये डीएक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो हम पुट करते हैं, पहले लिमिट भी चेंज करना होगा, लिमिट चेंज करने का तरीका क्या बताया था मैंने, देखो लिमिट चेंज करने का तरीका ये बताया था, अगर टी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रखे हो तुम, तो एक बार लोअर लिमिट एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो, तो जीरो पुट करोगे तो टी साइन में किसकी वैल्यू जीरो होती है, 0 डिग्री की। एक बार x इक्वल टू 1 पुट करो तो t इक्वल टू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 में 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 2 की, तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से पाई बाई 2। ये सब तो रटा होना चाहिए अब तक, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी लिमिट, क्योंकि t का फंक्शन लिखेंगे तो t की लिमिट, और ये x और क्या बचा, 1 माइनस x², इसको तो t ही ले लिए हो, और इसका देखो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस x² अंडर रूट और ये dt, क्या इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तुम कहोगे हाँ सर कैंसिल तो हो जाएगा। अब बात करते हैं यहां पे ऐसे, अब बात करते हैं 0 से पाई बाई 2,
और ये एक्स टी डी टी की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन टी इक्वल टू एक्स हो जाएगा। यहां से देखो, क्योंकि हमको देखो यहां डी टी है ना, यहां डी टी का लिमिट भी है ना, तो इसको एक्स को हटाना पड़ेगा मेरे दोस्त। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहां सब टी का फंक्शन है तो यहां टी का फंक्शन आना चाहिए। तो हटाने के लिए हम जाते हैं किसके पास, जहां मानते हैं, क्या माने हो, साइन इनवर्स एक्स माने इसको, इसको इधर ले जाओगे तो साइन टी हो जाएगा, साइन टी इक्वल टू एक्स हो जाएगा ना। ये जब इनवर्स इधर जाता है तो साइन टी हो जाता है, जब ये इनवर्स इधर जाता है साइन टी हो जाता है, एक्स इक्वल टू साइन टी हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा तो यहां पुट कर दो, बस इसका कहानी खत्म हो जाएगा। अब हालांकि अभी कहानी नहीं खत्म है, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है। ये टी साइन टी हो जाएगा, बस वही प्रोडक्ट वाला, पहला फर्स्ट इंटू सेकेंड। पहले क्या करता है प्रोडक्ट वाला समाकलन, जल्दी से बताओ, पहले को छोड़ते हो दूसरे का समाकलन, माइनस होल समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, और ये क्या आ जाएगा डीटी, होल डीटी आ जाएगा। और ये लिमिट क्या लगाए हो, लिमिट लगाए हो जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू। देखो जीरो से पाई बाई टू टी हो जाएगा, साइन टी का होता है कॉस टी, लेकिन तुम कहोगे सर सी वाला आ रहा तो माइनस तो लगाया नहीं, लो माइनस लगा दिया, माइनस इंटीग्रेशन ये टी का वन हो जाएगा, वन इंटू साइन टी का कॉस टी हो जाएगा, कॉस टी यानी माइनस कॉस टी हो जाएगा, साइन टी का कॉस टी सी वाला आ गया, माइनस आ गया, ये प्लस कर देगा। और डी टी एक बार और अवकलन कर, एक बार और समाकलन करते हैं ना, बोलो भाई खंडसा समाकलन, देखो ये हो गया ना। अब देखो माइनस टी कॉस टी, अब इसका कॉस टी का साइन टी होता है ना समाकलन, कॉस टी का साइन टी हो जाएगा, बस अब लिमिट पुट करना बाकी है। इसमें तो तुम महारत बन गए हो, महारत हासिल कर लिए हो। अब पुट करो माइनस पाई बाई टू कॉस पाई पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू, माइनस लगा के जीरो। अब देखो ये माइनस लगा के माइनस जीरो इंटू कॉस जीरो प्लस साइन जीरो। चलो अब देखो ये माइनस पाई बाई कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होती है, जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू कुछ करोगे जीरो हो जाएगा, ये प्लस वन आ जाएगा। यहां देखो जीरो में किसी का मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो, यानी आया कितना वन, वन इज आंसर। देखो कितना छोटा सा आंसर आया है, कितना छोटा सा आंसर आया, वन इज राइट आंसर तुम्हारा, वन आ जाएगा ना आंसर, बोलो भाई जल्दी से बोल दो। और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, चलो वन आ जाएगा आंसर, एक बार नोट डाउन कर लिए तो आगे चला जाए, बोलो दोस्तों आगे चला जाए। तुम कहोगे हां सर चलिए, बोलो भाई आगे चला जाए। चलो आगे चलते हैं, देखो प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज है डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, इसी की प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, बताओ
इसी की प्रॉपर्टी आज डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। जल्दी से बता दो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होगा, किसी को मालूम है पहली प्रॉपर्टी? कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और इतना जान लो, इतना बेहतरीन टॉपिक है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं, अगर प्रॉपर्टी पढ़े हो तो वन लाइनर हो जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे तो तुम्हारे एग्जाम में आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ रहे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, समझ रहे, प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। बस तुम्हारा एफर्ट चाहिए, बस तुम्हारा फुल एफर्ट चाहिए, फुल एफर्ट लगा देना 10 मिनट, एकदम ध्यान से देखो प्रॉपर्टीज, देखो एकदम रंग देंगे प्रॉपर्टीज में, समझ रहे हो कि नहीं, एकदम रंग दिए जाओगे प्रॉपर्टीज में, देखो तो ध्यान से। चलो बोलो, पहली प्रॉपर्टीज क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ये बोलती है, अगर इंटीग्रेशन ए से बी है और ये एफ एक्स है, इसको एफ एक्स डीएक्स है, तो इसको माइनस लगाकर, यहां माइनस लगाकर इसकी लिमिट को चेंज की जा सकती है, यानी बी टू ए हो जाएगा एफ एक्स डीएक्स, समझे कि नहीं? अगर कोई समाकलन ए से बी है, एफ एक्स डीएक्स है, तो इसको माइनस लगा के इसके लिमिट में चेंज की जा सकती है, बी से ए हो जाएगा एफ एक्स डीएक्स हो जाएगा। एक एग्जांपल, एग्जांपल ऐसे तो नहीं समझ में आया, ये मैथ का लैंग्वेज है, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल से। अगर समाकलन 2 से 3 दे दिए एक्स डीएक्स, समाकलन 2 से 3 दे दिया एक्स डीएक्स दे दिया, अगर इसके लिमिट को चेंज करना हुआ तो यहां माइनस लगाओगे, यहां 3 से 2 हो जाएगा एक्स डीएक्स। तुम कहोगे सर हमको तो यकीन नहीं है, दिखाइए। हम कहेंगे बिल्कुल दिखा सकते हैं तुमको, एक बार इसको और इसको सॉल्व करो, देखो दोनों इक्वल आता है, मतलब ये प्रॉपर्टी सही है। तुमको कैसे विश्वास कर ले ये और ये कैसे बराबर हो सकता है? हम कहेंगे बिल्कुल बराबर होगा दोस्त, एक बार इसको सॉल्व करो। अब इतना सा समाकलन करने आता होगा, इसका समाकलन निकालोगे 1 + 1 2 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा, और इसका निकालोगे तो देखो 2 से 3, और इधर इसका निकालोगे तो इसका भी वही हो जाएगा 2x की पावर 2 हो जाएगा, ये 3 से 2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2। अब इसमें क्या रखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसी तरह करते हो, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और यहां 2। इधर करोगे अपर लिमिट रखोगे 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, नाइन माइनस 4 5/2। यहां देखो माइनस माइनस 5/2 आएगा ना, क्या ये माइनस माइनस प्लस नहीं कर देगा? ये माइनस माइनस प्लस, ये 5/2 और ये इधर 5/2 आ जाएगा, इक्वल आ गया कि नहीं, इक्वल आ गया कि नहीं बताओ? तो मतलब ये प्रॉपर्टी तो सही बोल रही है, मतलब ये क्या है, ये प्रॉपर्टी सही है। बताओ मेरे भाई, पहली प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई, समझ आई कि नहीं ये बता दो, पहली प्रॉपर्टी तुमको समझ आई कि नहीं? क्या पहली प्रॉपर्टीज बोलती है? पहली प्रॉपर्टीज यही बोलती है, अगर कोई समाकलन a टू b है, कोई समाकलन a टू b है, एफ एक्स डीएक्स है, तो उसकी लिमिट में चेंज करना, लिमिट में चेंज करना है तो माइनस लगा के इसके लिमिट में चेंज किया जा सकता है, माइनस लगाओगे इसके लिमिट में चेंज कर सकते हो? बताओ, माइनस लगाकर इसके लिमिट में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अगले प्रॉपर्टीज पे आए, पहले इसको नोट डाउन करना अच्छे से, ध्यान से सुनो। पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है, अगर कोई भी समाकलन a से b है, एफ एक्स डीएक्स है, कोई भी समाकलन a से b है, एफ एक्स डीएक्स है, अगर उसके लिमिट में इंटरचेंज करना हुआ, यानी b से a करना हुआ, तो उसके क्या लगा दोगे आगे? माइनस, उसके लिमिट में इंटरचेंज हो जाएगा। अगर माइनस लगा के बस सेम फंक्शन यानी सेम फलन लिखना है, बस लिमिट क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज पहली खत्म, पहली प्रॉपर्टीज खत्म, सबको समझ में आया? प्रॉपर्टी नंबर 2 पे चलें, बताओ
प्रॉपर्टी नंबर टू पे चले। बोलो भाई, बोलो जल्दी से। चलो चलो, प्रॉपर्टी नंबर टू पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर टू क्या बोलता है देखो, प्रॉपर्टी नंबर टू ये बोलता है अगर कोई भी फंक्शन ए से बी इंटीग्रेट कर रहे हो, यानी समाकलन कर रहे हो ए से बी का एफ एक्स डी एक्स, अगर मेरे दोस्तों अगर ये एफ एक्स इक्वल टू एफ टी है, इसका मतलब क्या होता है अभी समझा रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू एफ टी दिया है, यानी इसका मतलब क्या होता है अभी समझा रहे हैं। तो अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ टी है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा और यहां पे क्या हो जाएगा एफ टी डी टी। ये प्रॉपर्टी नंबर टू बोलती है। प्रॉपर्टी नंबर टू क्या बोलता है एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर टू ये बोलता है अगर कोई भी इंटीग्रेशन यानी कोई भी समाकलन ए से बी दिया है, कोई भी समाकलन ए से बी दिया एफ एक्स डी एक्स है, अगर कंडीशन ये है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ टी, इसको यहां लिख देते हैं एफ एक्स इक्वल टू एफ टी, एफ एक्स इक्वल टू एफ टी दिया है, ये कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, तो इसको एफ टी को भी ए से बी लिख सकते हो, लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। समझ आया? लिमिट चेंज करने कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा ये हो जाएगा। बात समझ में आई? एक बात एग्जाम्पल से चलते हैं। जैसे जैसे हम बोल दें यहां पे, टू से थ्री फोर एक्स प्लस फाइव डी एक्स, ये एफ एक्स है, ये क्या है एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है फोर एक्स प्लस फाइव। अगर इसी में हम कहते हैं एफ टी निकालना है यहां पे, एफ टी तो एक्स की जगह टी हो जाएगा, फोर्टी प्लस फाइव जहां जहां एक्स है वहां वहां टी हो जाएगा, एफ टी निकल जाएगा। अगर एफ टी को इंटीग्रेट करना हुआ तो हम क्या बोल देंगे, फोर से टी फाइव टी टी, और ये क्या हो जाएगा टू से थ्री, इन दोनों ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ये दोनों आपस में ऊपर ही लिख देते हैं। अगर हम कहीं यहां पे देखो एफ टी ले लिए, टी एक्स की जगह टी ले लिए, फोर टी प्लस फाइव लिख देते हैं, तो हमको ये डी एक्स जो है वो किसके टू से और थ्री, फोर टी प्लस फाइव, फोर्टी प्लस फाइव डी टी हो जाएगा, टू से थ्री दिया है, फोर्टी प्लस फाइव डी टी हो जाएगा। अगर ये इसके इक्वल इसको दिखाया जा सकता है, तुम कहोगे सर बस ये देख लेना ये एफ एक्स इक्वल टू एफ टी दिया है कि नहीं, जहां जहां एक्स है वहां वहां टी पुट कर दिए, ये तो दिया एफ एक्स इक्वल टू एफ टी। तुम कहोगे कैसे विश्वास करें, विश्वास तो हो ही नहीं रहा है। हम कहेंगे विश्वास दिलाते हैं मेरे दोस्त, क्यों टेंशन ले रहे हो, एक एक प्रूफ करते हुए चलेंगे प्रॉपर्टी, एक एक प्रॉपर्टी प्रूफ करते हुए चलेंगे कि कहां से प्रॉपर्टीज आई, कैसे बनाया गया। पहली प्रॉपर्टी ऑब्जर्व किया गया मेरे दोस्तों कि अगर लिमिट को इंटरचेंज किया जाता है तो माइनस का साइन आ जाता है, तो वो बताती है तुम्हारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये बताती है कि अगर एफ एक्स की जगह एफ टी भी लिख देना और फंक्शनवा सेम रहे, बस एक्स की जगह टी बदल जाए, तो यह क्या होगा, लिमिट को बदलने कोई आवश्यकता नहीं है, लिमिट सेम रहेगा। तो हम करके दिखा देते एक बार, चलो एक बार इसका इंटीग्रेशन करते हैं और फास्ट करते हैं क्योंकि कई बार हो चुका है ना ये, इसको मैंने कई बार कर चुके हैं ना ये। इक्वल का साइन है ना यहां पे, दोनों साथ में करते हुए चलते हैं,
चलो टू से टू कट गया, ये टू आ गया, अगर टू का स्क्वायर करोगे फोर, फोर टू जाए एट, ये टेन माइनस, सॉरी अपर लिमिट रखी जाती है ना, अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखोगे तीन तरीके नौ, नौ दुना अठारह और ये पांच तेई पंद्रह माइनस, ये रखोगे माइनस ये रखोगे तो क्या हो जाएगा, चार चार दुना के आठ, आठ दुना के दस, यहां पे रखते हैं तीन तरीके नौ, यहां से काटोगे दो तीन तरीके नौ, नौ दुना अठारह प्लस पांच तेई पंद्रह माइनस, ये करोगे फोर, फोर फोर टू जा एट और ये करोगे टेन, ये हो जाएगा। यहां देखो आठ पांच क्या हो जाएगा, आठ पांच कितना हो जाएगा, आठ पांच पांच दस, पांच तीन तेरह, तेरह आ जाएगा, दो तीन तैंतीस आ जाएगा, ये जोड़ोगे तैंतीस ना आएगा, पांच पांच दस पंद्रह ठीक है, ये अट्ठारह हो जाएगा, इसको भी जोड़ोगे तैंतीस माइनस अट्ठारह, तैतीस में से अट्ठारह जाएगा पंद्रह बचेगा, तैतीस में से अट्ठारह जाएगा पंद्रह बचेगा, क्या ये सेम आ गया कि नहीं आ गया, मतलब इसका क्या निकला, मतलब मेरे भाई ये निकला कि अगर कहीं ना कहीं लिमिट बदलने की आवश्यकता नहीं है, लिमिट सेम रहती है, समझ रहे हो, लिमिट तो सेम रहती है, इसीलिए इसका इसको क्या, इसको लिमिट चेंज करने कोई जरूरत नहीं है, लिमिट सेम करके कर सकते हो अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ टी दिया है, तब अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ टी दिया है तो लिमिट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों, आगे चले, चलो आगे प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी अभी तक डिस्कस किया मैंने, अब देखो थोड़ी सी अच्छी प्रॉपर्टी आएंगी जिसका भर भर के यूज है क्वेश्चंस में, क्या दोनों प्रॉपर्टी में इतनी सी भी डाउट हो तो बता सकते हो, थोड़ा सा भी डाउट हो दोनों प्रॉपर्टी में तो बता सकते हो एक बार, बताओ आगे चले फिर, बोलो चैंपियन आगे चले, चलो ठीक है आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, थ्री लिख देते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, प्रॉपर्टी तीसरी ये बोलती है अगर ए से बी दिया है एफ एक्स डी एक्स, ए से बी दिया एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ए से बी दिया एफ एक्स डी एक्स और इसके बीच में कहीं सी है, मतलब इसका मतलब समझना ध्यान से, अगर ए से बी दिया यानी ये ए से बी गिवन है और इसके बीच में कहीं सी पॉइंट है, कहीं सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, स्मॉल लिख देते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके बीच ये बी पॉइंट है, इसके बीच में कहीं सी पॉइंट है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स, समझ में आई कि नहीं मेरी बात, अगर ध्यान से सुनो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तीसरी ये बोलती है मेरे दोस्त, अगर कहीं ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिखा है, कहीं भी ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिखा है तो उसके बीच में कहीं सी दिया है, उसके बीच में कहीं सी दिया है तो इसको ब्रेक करके ए से सी एफ एक्स डी एक्स, सी से बी एफ एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है, समझ आ रही कि नहीं मेरी बात, अगर कहीं बीच में वो है तो वो वैसे लिखा जा सकता है, आई मेरी बात समझ में, बताओ भाई मेरी बातें आ रही समझ में, बोलो चैंपियन आ रहे कि नहीं समझ में, चलो
आ रही है तो आगे देखो, आगे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे हम बोल दे ये 1 से 3 लिखा है, यहां पे एक्स स्क्वायर लिखा है डीएक्स, इसको हम ऐसे भी किया जा सकता है कि 1 से 2 ले लो एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस 2 से 3 ले लो एक्स स्क्वायर डीएक्स। तुम कहोगे सर ऐसे तो नहीं ब्रेक होगा, हमको तो नहीं लग रहा सही आएगा। तो हम कहेंगे भाई तुम बुक की बात मत मानो, एक बार तो हम करके दिखा देते हैं। तुम बुक वाली बात मत मानो, एक बार हम करके दिखा देते तब तो मानोगे ना कि बराबर आ रहा है। प्रूव कर देते हैं प्रॉपर्टी को, कहा टेंशन लिए हो, प्रूव कर दे प्रॉपर्टी को, बताओ बोलो दोस्त। चलो ठीक है प्रूव करते हैं, एक बार इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 1 से 3 इक्वल टू, इसका करो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 1 से 2 प्लस इसका करोगे एक्स क्यूब बाई 3 2 से 3। अब यहां से करना स्टार्ट करते हैं, क्या 3 का क्यूब करोगे -1 का क्यूब करोगे, टू का क्यूब करोगे -1 का क्यूब करोगे, थ्री का क्यूब करोगे -2 का क्यूब करोगे। कर दिया मैंने, कैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। अच्छा 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 जा 9 9 3 जा 8 3 3 जा 9 9 3 जा 27 3 3 के 9 9 3 के 27 -1/3 यहां क्या आएगा, 2 2 के 4 4 2 के 8 2 2 के 4 4 2 के 8 8 -1 और बात इसकी करेंगे तो 3 3 के 9 3 3 के 9 9 3 27 और 2 2 के 4 4 2 के 8 चलो ये 26/3 इसको अच्छा देखते हैं, क्या यहां 7/3 बचेगा, 8 में से 1 गया 7 27 में से 8 जाएगा 19 बच जाएगा ना यार। चलो जब 19 बच गया तो इसका हम क्या लेते हैं एलसीएम, (19)/7 (26 अब तो आ गया बराबर। अब तो तुमको विश्वास करना पड़ेगा कि जो बुक में प्रॉपर्टी लिखा है वो सही लिखा है, अब तो तुमको क्या विश्वास करना पड़ेगा, जो बुक में प्रॉपर्टी लिखा है वो तो सही लिखा है, बताओ अभी भी कोई डाउट है, अभी भी इस प्रॉपर्टी में कोई किसी को डाउट है, बता तो रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में और यू बनाओगे अगर प्रॉपर्टी एक बार अच्छे से समझ लिए तो, इतना जान लो अगर प्रॉपर्टी अच्छे समझ लिए ना तो यू बना दोगे तुम, फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हो कि नहीं मेरे भाई, मेरे चैंपियन समझ रहे हो, अगर प्रॉपर्टी पढ़े हो अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 3 प्रॉपर्टी मैंने बताया तीनों में किसी को दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, हर एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व कराया, बताओ हर एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करवाया गया, कोई दिक्कत नहीं है। चौथी प्रॉपर्टी बढ़े, बोलो चैंपियन चौथी बढ़े कि नहीं बढ़े बताओ, तुम कहोगे सर बढ़िए बहुत टाइम है अभी, तुम क्या कहोगे सर बढ़िए बहुत टाइम है। चलो हम आते हैं चौथी पे,
चौथी पे आए मेरे भाई। चौथी वाली प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमेशा यूज होती है, समझ रहे हो ना। चौथी प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो मैक्सिमम आप क्वेश्चन में यूज होगी। तो चलो ठीक है, देख लेते हैं उसको। चलो ठीक है, देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी ये बोलती है, अगर 0 से a एफ एक्स दिया है dx, अगर 0 से a एफ एक्स dx दिया है, तो इसको अगर चौथी प्रॉपर्टी ये बोलती है, तुम क्या निकाल सकते हो 0 से a माइनस एक्स dx, 0 से f a माइनस एक्स dx निकाल सकते हो, बताओ सही है कि नहीं, एक बार बताना, बोलो जल्दी से। एक बार चौथी प्रॉपर्टी ये बोलती है मेरे भाई कि अगर 0 से a दिया, एफ एक्स डीएक्स दिया है, तो उसको तुम ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0 से a एफ एक्स डीएक्स दिया है तो इसमें तुम ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं, बोलो जल्दी से। तो एक बार कर लो, एक बार कर लो, बस 1 सेकेंड रुक जाना, 1 सेकेंड, एक बार नोट कर लो। चलो ठीक है, ठीक है, कुछ काम था वो कर दिया मैंने। चलो एक बार नोट हो गया, एक बार नोट हो गया, सेकेंड, बस पेज दे दे, बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ओके ठीक है, इतना समझ गया ना। ये एफ एक्स डीएक्स 0 से a और इक्वल टू 0 से a एफ a माइनस एक्स डीएक्स, इसमें किसी को दिक्कत है चैंपियन? तुम कहोगे सर हम मानते उनते नहीं है, हमको आप प्रूफ करके दिखाइए कि ये सही है, नहीं तो हम मानेंगे नहीं। बताओ कोई वैसा लड़का मिल गया कि सर हम मानेंगे नहीं, कहां से ये सब उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं, प्रूफ करिए आप। हम कहेंगे बिल्कुल प्रूफ करेंगे दोस्त, चलो आप प्रूफ करके दिखाते हैं, प्रूफ करके दिखाते हैं। पहला अगर समाकलन हम ऐसे ले ले, 0 से 2 x dx, एफ एक्स की जगह क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है। अगर हमको एफ ए माइनस एक्स, मतलब ए माइनस एक्स निकालना है, यानी 2 माइनस एक्स निकालना है, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 माइनस एक्स कर दो, 2 माइनस एक्स, जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 माइनस एक्स कर दो, यहां भी 2 माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो मेरे भाई, जहां जहां एक्स है मेरे दोस्तों वहां 2 माइनस एक्स कर दो, यहां 2 माइनस एक्स हो जाएगा, समझ में आया, मतलब ये हो जाएगा। तो निकालोगे तो एफ 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ 2 माइनस एक्स, तुम कहोगे सर 2 माइनस एक्स हो जाएगा डीएक्स, यही ना होगा, ये एफ एक्स एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स आया है, एफ 2 माइनस एक्स निकालना था प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये और ये। अब करते इसका समाकलन, अब करो समाकलन, इसका समाकलन करो, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। थैंक यू सर। अब इसका कितना आ जाएगा जल्दी से बताना, एक्स स्क्वायर बाई 2 कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये लिमिट क्या हो जाएगा 0 से 2 इक्वल टू, अब इसका करेंगे, इसका करेंगे कितना हो जाएगा, इसका करो कितना हो जाएगा, वन डीएक्स, और ये 0 से 2 x dx, यही होगा ना, पुट करो।
इसका करोगे x आएगा x 0 से 2, इसका करोगे x स्क्वायर बाई 2 0 से 2, यही आने वाला है x 0 से 2 और x स्क्वायर बाई 2 0 से 2। अब लिमिट यहां कितना आ गया दोस्त, यहां 4 माइनस 0 यानी 4 आएगा, 4 बाई 2। अब यहां अच्छा एक बार तुम लोग सॉल्व करो, तब तक चाय पी ले हम, चाय पीने के पहले पानी पिया जाता है ना। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से सॉल्व करो, देखते कौन जल्दी आंसर बताता है इसका, कौन बताता है कि सर सही आ रहा है गलत आ रहा है। जल्दी से एक बार बता दो कि कौन सही आ रहा है गलत आ रहा है, जल्दी से बताओ। चलो चलो स्टार्ट करते करना, अब स्टार्ट करते करना, अब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और इसको रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 और माइनस इसको रखोगे 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस 0 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। अब ये 4 बाई 2 क्या आ गया चैंपियन, 2 आ गया, अगर इसका 2 माइनस 0 2 बचेगा, 2 इंटू 4 2 आ जाएगा माइनस, अच्छा ये 4 माइनस 0 4 आएगा, 4 4 बाई 2 2 आ जाएगा ना, तो ये बताओ ये प्रॉपर्टी सही है या गलत है। अब तुम डिसाइड करो ये प्रॉपर्टी सही लिखा है या गलत लिखा है, आ तो गया इक्वल, ठीक है ना, मतलब मेरे चैंपियन ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं सही लिखा है और इतनी बेहतरीन प्रॉपर्टी ये लिखा है ना कि हर एक क्वेश्चन कैसे चुटकियों में हो जाएगा अभी दिखाएंगे तुमको, अभी दिखाएंगे, अभी बता देंगे बिना सॉल्व किए आंसर बताओगे सर इसका आंसर इतना आएगा, एक बार प्रॉपर्टी समझो, बस प्रॉपर्टी ये वाली समझो और ये जान लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आधा से अधिक तुम्हारा इसी से होगा, आधा से अधिक जो क्वेश्चन होने वाला इसी से होगा, आधे में सब आएंगे आधा से अधिक इसी से होगा, तो इसको समझ क्यों नहीं लिया जाए अच्छे से, इसको अच्छे से क्यों नहीं समझ लिया जाए जब आधा से अधिक क्वेश्चन होने वाला है तो बोलो। तुम कहोगे सर समझाइए, फिर से समझा देते हैं, देखो ये एफ एक्स दिया है, अगर कोई भी फंक्शन जीरो से ए लिखा है, एफ एक्स दिया है डीएक्स दिया है, तो उसको जीरो से ए ए माइनस एक्स से लिखा जा सकता है, लिमिट से जितना जैसे हम ए माइनस एक्स लिखना सिखा रहे हैं, अगर एफ एक्स दिया है अगर हमको हमको लिखना है एफ ए माइनस एक्स, तो जहां 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 एक्स है ना वहां वहां क्या पुट करोगे ए माइनस एक्स, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां क्या पुट कर दो ए माइनस एक्स, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू हम लिख दे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख दिया तुम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर हमको ए माइनस एक्स लिखना है मेरे दोस्त तो क्या लिखेंगे, ये साइन एक्स ए माइनस एक्स, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां क्या कर दो ए माइनस एक्स, कॉस ए माइनस एक्स, समझ आए कि नहीं मेरी बात, जहां जहां एफ एक्स इक्वल टू इतना गिवन था, एफ एक्स इक्वल टू इतना गिवन था और एफ ए माइनस एक्स चाहिए तो साइन ए माइनस एक्स प्लस कॉस ए माइनस एक्स, समझ गया ना, एक बात और लिखते हैं, जैसे x इक्वल टू दिया साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हम कहेंगे तुम ये निकालो
पाई बाई टू माइनस एक्स। तुम कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं इससे, पाई बाई टू माइनस एक्स साइन जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां क्या पुट करोगे, पाई बाई टू माइनस एक्स, बात खत्म। जहां जहां तुमको एक्स दिख रहा है वहां वहां क्या पुट कर दोगे, पाई बाई टू माइनस एक्स पुट कर दोगे, बात खत्म हो जाएगा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू दिया था साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और हमको लिखना था एफ पाई पाई बाई टू माइनस एक्स। क्या लिखोगे, जहां जहां एक्स दिख रहा है साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। बोलो लिख सकते हो ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं चलो, और दिखाते हैं कितनी धमाकेदार प्रॉपर्टी है ये, और दिखाते हैं कितनी शानदार प्रॉपर्टी है। देखो ये क्वेश्चन, देखो क्या दिया है। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या प्रॉपर्टी दिया है, जीरो से पाई बाई टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही प्रॉपर्टी दिया है ना, बताओ जल्दी से, बोलो भाई यही प्रॉपर्टी दिया है कि नहीं दिया, यही दिया है क्वेश्चन ना, बस वही चौथा नंबर प्रॉपर्टी लगाओ। और कहां कब लगाना ये हम बताएंगे, कहां कब लगाना है ये हम प्रैक्टिस करवाएंगे तब बताएंगे कहां कब लगाना है, कौन सी प्रॉपर्टी कहां यूज होगी। ठीक है, अभी सारा प्रॉपर्टी पढ़ लो, फिर जब प्रैक्टिस करवाएंगे हम तब बताएंगे कहां कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। समझ रहे हो कि नहीं, बताओ चैंपियन, एक बार समझ में आ रही मेरी बातें, कहां कौन सी प्रॉपर्टी लगेंगी तब बताएंगे, जब एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तब। तो देखो अब हम बोल दिए कि मेरे चैंपियन ये क्वेश्चन है, इसमें चौथ ये आई इक्वल टू ले लो, या तो आई इक्वल टू ही ले लो, हम बोल दिए ये क्वेश्चन है इसमें चौथी प्रॉपर्टी यूज करो। तुम कैसे यूज करोगे, कहोगे सर बिल्कुल यूज कर देंगे। चौथी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां पाई बाई टू माइनस एक्स कर दो, ऊपर वाले से माइनस एक्स कर देते हैं, पाई बाई टू माइनस एक्स लिख दिया, जहां जहां प्रॉपर्टी दिख रहा था वहां वहां पाई बाई टू माइनस एक्स लिख दिया। तो एक बार तुम बताना एक बार ये बताना हमको कि पाई बाई टू माइनस एक्स लिखा है ना ये, तो क्या होता है, हम करते हैं दिखाते हैं चलो, एक बार करके दिखाते हैं। आई इक्वल टू देखो क्या दिया है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, यहां भी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, यहां कॉस 90 माइनस थीटा है साइन थीटा हो जाएगा, ये हो गया। इसको इक्वेशन समीकरण दो कर दो, और इसको समीकरण क्वेश्चन को समीकरण क्या कर दो, क्वेश्चन को समीकरण वन कर दो। अब दोनों समीकरण को जोड़ने पे समीकरण वन एंड और दो को जोड़ने पर समीकरण एक और दो को जोड़ने पर क्या आएगा, एक बार देखो आई आई टू आई आई जाएगा, इधर आई आई जुड़ेंगे टू आई हो जाएंगे, और ये जीरो से पाई बाई टू है। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, पहला वाला समीकरण क्या था, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, समीकरण वन। समीकरण टू क्या था, जीरो से पाई बाई टू कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये डीएक्स
यही था, दोनों समीकरण को तुमने ऐड कर दिया, ये तुम्हारा क्वेश्चन फाइनली, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया फाइनली। तो इसके बाद क्या करेंगे देखना ध्यान से, 2i 0 से पाई बाई 2, इसका अगर जोड़ोगे तो क्या, पहले इसको कॉमन ले लो पाई, ये इंटीग्रेशन कॉमन है ना, कॉमन ले लो, साइन एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स, ये तुम्हारा ऐड करने पे हो जाएगा। जब ऐड करने पे इतना हो रहा है तो ये बताना कि 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब दोनों को देखो, जीरो से पाई बाई टू तो रहेगा ही और यहां dx रहेगा, अब दोनों देखो साइन प्लस कॉस लिखो या कॉस प्लस साइन लिखो, एक ही बात होती है, इसको साइन प्लस कॉस लिख सकते हो, जब इसको लिख सकते हो तो इसका एलसीएम ले लो साइन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब मेरे भाई ये देखना, जो एलसीएम आ गया, अब साइन एक बार में कटेगा तो साइन एक्स और ऊपर कॉस एक्स बच जाएगा, बताओ ऊपर भी सेम वैल्यू नीचे भी सेम वैल्यू, क्या ये दोनों कट जाएंगे आपस में, कट जाएंगे कि नहीं, बचेगा क्या, ये डीएक्स बचा, बचेगा यही 2i 0 से पाई बाई 2 1 डीएक्स। अब इसका कर देंगे समाकलन, अब इसका समाकलन तो बहुत इजी है यार, देखो किसका समाकलन करना था, लास्ट में क्या आ गया, अब इसका समाकलन कौन नहीं कर सकता बताओ, प्रॉपर्टी लगाने से कितना इजी चीजें हो गई, इससे देखो इससे ज्यादा क्या ही बोल सकते हैं, वैसा समाकलन करना था, समाकलन किसका आ गया, इसका कर दो भाई, 1 का क्या हो जाएगा x, 0 से पाई बाई 2 पुट करोगे पाई बाई 2 माइनस 0, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 4 आंसर, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 4, हमको तो देख ही लग गया था इसका आंसर क्या आने वाला है, पाई बाई 4, ये देखना तुमको भी सिखा देंगे, अभी पढ़ रहे हो ना, अभी तो स्टार्ट किया ना प्रॉपर्टी पढ़ना, ये देखना तुमको सिखा देंगे कि कैसे देख के बताया जाता है इसका आंसर ये आएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन को देखोगे बताओगे सर आंसर हुआ तो यही आएगा, आप चाहे कुछ कर लीजिए तो वो टेंडेंसी लाएंगे तुम्हारे में, अभी थोड़ा सा बस एक क्लास या दो क्लास भी एक पूरा खत्म हो जाएगा, आज नहीं तो कल ला देंगे ये टेंडेंसी। चलो आगे क्वेश्चन लेते हैं, अभी देखो तीन प्रॉपर्टी और बचा है, तीनों एक साथ डिस्कशन कर देंगे ना तो सारा हॉच पॉच हो जाएगा, तीन प्रॉपर्टी चार प्रॉपर्टी पढ़ लिए, एक बार उसमें क्वेश्चन लगा लो, दो तीन क्वेश्चन कर लो तो आगे दो तीन प्रॉपर्टी है उसको बता देंगे, नहीं तो आज ही सब प्रॉपर्टी लिखवा देंगे तो तुम्हारा दिमाग में क्या हो जाएगा हॉच पॉच, पता ही नहीं चले कौन किस कहां लगाना है, तो कुछ क्वेश्चन करा देते हैं फिर आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो ये भर भर के एग्जाम में आता 2016 किसी भी प्रीवियस ईयर उठा लो, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रॉपर्टी पे और 3 से 4 नंबर में, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, रूट क्या दिया है कॉस एक्स, अंडर रूट क्या दिया साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स दिया है, अब इसका तुमको क्या करना है, इसका क्या करना है इंटीग्रेशन, जल्दी से कर दो एक बार,
एक बार ट्राई करो वही प्रॉपर्टी नंबर 4, जब भी 0 से पाई बाई 2 दिखे, साइन और कॉस का फंक्शन दिखे, ये जान जाओगे प्रॉपर्टी नंबर 4 तो यूज करना ही करना है। ये समझ जाओ इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 को तो यूज करना ही करना है। एक बार करो इसको प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज। चलो हम करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज। पहले क्या करेंगे, ये इसको आई, पहला काम इसको आई, पहला काम क्या है, इसको आई मानना है। आई मान लिए, अब वैल्यू रखना स्टार्ट करो, और इसको समीकरण 1, आई मानकर समीकरण 1 मान लो, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ। जीरो से पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स, ये हो गया कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये साइन सब जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है ना, ये वाला माइनस होता है ना। 0 से पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, ये को क्या हो जाएगा साइन एक्स, पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स। अब इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 हो गया, तो वही काम समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, देखो आई आई 2 आई आ जाएगा, आई आई 2 आई आ गया। अब समीकरण 1 क्या था, अंडर रूट साइन एक्स यहां कॉस एक्स था समीकरण 2 में, और अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसको इधर उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डीएक्स प्लस 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही था ना डीएक्स। दोनों समीकरण को ऐड करके मैंने लिख दिया, दोनों क्या किया, एडिशन किया, मैंने लिख दिया। बताओ दोनों का एडिशन करने के बाद लिख दिया, तो एक बार डीएक्स कॉमन ले लो, ये 2i क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, बचेगा क्या देखो, एलसीएम क्या हो जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहां क्या हो जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स और कॉस एक्स साइन एक्स, एलसीएम लोगों इतना ही ना आएगा। चलो एक बार एडिशन करके लिख दे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा तुम लोग। एक बार लिख देते इसी तरह सिंपल वे में, पहले ये कॉमन लिए तो क्या बचेगा, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बचेगा। प्लस ये अंडर रूट साइन एक्स डीएक्स, क्या मैंने किया, अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसके बाद देखना 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम लोग कितना आ जाएगा, रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, यही एलसीएम आएगा। इतना आ जाएगा, ऊपर काटोगे इससे ये गया, इससे ये गया, डीएक्स कट गया ना,
आया क्या? वन डीएक्स बचा, वन का अगर समाकलन करो कितना आता है? इसका समाकलन करोगे एक्स हो जाएगा ना, 0 से π/2, π/2 पुट करो यहां पे और ये 0, 2i = क्या हो जाएगा π/2, i = क्या हो जाएगा 2 जाएगा नीचे तो π/4, यानी i किसको लिए थे, i उसको लिए थे, i का इंटीग्रेशन क्या हो गया, i का समाकलन क्या आ गया π/4, यानी आंसर क्या आ गया π/4। बताओ इसमें किसी को डाउट है, जल्दी से बोल दो इसमें किसी को भी डाउट है, बोलो भाई इसमें किसी भी को डाउट है? एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, यह दिया है 0 से π/2 कॉस के पावर 5x अपॉन साइन के पावर 5x अब कॉस के पावर 5x। अब तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो देख के आंसर बोल देंगे सर इसका आंसर कितना आएगा, बताओ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस टाइप का क्वेश्चन देख के बता देंगे आंसर कितना आएगा चैंपियन मेरे, पाई भाई हाँ जो बोल रहे हैं पाई भाई कितना जल्दी से बता दो, पाई भाई वही जो तुम सोच रहे हो वही आने वाला आंसर, कैसे आएगा दिखाते हैं अभी। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाना है, 4 लगा दो, समीकरण पहला काम समीकरण फर्स्ट करो इसको, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ तो 4 प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये आई 0 से π/2 क्या कॉस के पावर 5x से कोई मतलब है, 5 से कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है, तुमको बस x की जगह चेंज करना है ना, जहां जहां x लिखा वहां वहां चेंज करना है ना, चेंज कर दो cos 5 π/2 माइनस एक्स और ये dx। अब बात वही सब पुरानी वाली कहानी जो पुराने जमाने में तुम लोग करते थे, हाँ वो पुराना ही जमाना हो गया, कॉस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा मतलब साइन के पावर 5 थीटा हो जाएगा, यहां कॉस के पावर 5 थीटा हो जाएगा, ये साइन के पावर 5 थीटा हो जाएगा dx। इसको समीकरण क्या कर दो, दो। अब क्या समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर कितना आएगा, एक बार हम लिखते हैं, यहां 2i आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो i आई, वो क्या था कॉस के पावर 5x अपॉन dx प्लस कॉस के पावर 5x dx। चलो 2i, अब यहां से 0 π/2 कॉमन ले लेते हैं, क्या आता है यहां पे कॉस अपॉन कॉस के पावर 5x प्लस साइन के पावर 5x प्लस साइन के पावर 5x अपॉन साइन के पावर 5x कॉस के पावर 5x। टू आई 0 से π/2
एलसीएम लेते हैं, यहां क्या हो जाएगा एलसीएम? ये इससे कटा, बचा क्या? जीरो से पाई बाय टू, वन डीएक्स बचा। चलो इसका करो, पुट करो, पाई बाय टू माइनस जीरो, पाई बाय टू आ गया, आई की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाय फोर। मतलब आंसर कितना आ गया? देखो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ऊपर कॉस दिया है, साइन दिया है, नीचे साइन कॉस दिया है, यानी ऊपर टेन दिया है, नीचे टेन और कॉट दिया है, ऊपर सेक दिया है, नीचे सेक और कोसेक दिया है, सबका आंसर कितना? जीरो से पाई बाय टू लिमिट है, तो सबका आंसर कितना आने वाला है? पाई बाय फोर। अब देख के बता सकते हो चीजों को, कितना आंसर आएगा? पाई बाय फोर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तीन और प्रॉपर्टी बची है जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे लगा लेना तुम लोग। ठीक है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कोई भी डाउट हो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू, और ये बताना है कैसी क्लास लगी। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।